साजू टाइम, साजू टाइम बेटू का। लाभ रही है साजू टाइम, साजू टाइम बेटू का। क्यों नहीं, क्या हो रहा है? किसी का मचाज हो रहा है क्या भाई? मुंह में लोशन, लोशन नहीं भाई, वाला ऑयल ही लगाइए। हाँ लोशन नहीं, ऑयलिंग मसाज हो रहा है तो फेस पे भी ऑयलिंग ऑयलिंग होगा। बेटू का ऑयलिंग ऑयलिंग हो रहा है। बेटा क्या हो गया? दे तो, दे तो, रुक जा रुक जा। बेटू 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 ठीक, बेटू 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 हो गया। पहन ली बेटू, नए नए कपड़े पहन ली बेटू। तो यहाँ पे हम लोग निकलने वाले हैं हॉस्पिटल से, घर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा ही थी अपना सब चेकिंग वेकिंग कराने के लिए। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अब घर की तरफ, क्योंकि आज मेरा डिस्चार्ज हो गया है और मामा मेरे को पकड़ के ले चली हो, एंडी बाबू को लेके गए हैं आगे। वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जल्दी से एंडी पार्किंग एरिया से एक गाड़ी लेके आए तो फिर हम लोग घर की तरफ जाएं। आप लोग को पता है जिस दिन बाबू हुई थी उस दिन 13 तारीख था, उस दिन से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और यहाँ पे देखिए रास्ते में मैं आगे बाबू को लेके बैठी थी थोड़ी देर तक, फीडिंग कराना था क्योंकि रो रही थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे जो स्टिचेस लगे हैं उसमें बहुत दर्द रहा था, तो मैंने बाबू को पीछे कर दिया मम्मा के गोद में ताकि मैं कंफर्टेबली थोड़ा सा बैठ सकूं। हल्की सी प्रॉब्लम हो रही थी स्टिचेस की वजह से। और यहाँ पहुँचे हम लोग घर, थोड़ा सा ब्लॉग टेढ़ा मेढ़ा लिया गया क्योंकि ब्लॉग एक्चुअली किसी और ने लिया था, तो पता नहीं था कि उनको क्या हॉरिजॉन्टली ब्लॉग बनाना है। और मैं सर इसलिए पकड़ूँ क्योंकि जो एनेस्थीसिया मेरी बैक पे दिया गया था, बैकबोन में, वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है हेड तक, तो इसलिए मैं अपना एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हेड दर्द हो रहा है, तो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, हेड को कंटिन्यूसली पकड़ के चल रही हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं, जल्दी जैसी ना। और यहाँ पे एंडी, एंडी को जितना समझ में आया हॉस्पिटल आने से पहले, जितना थोड़ा मोड़ा वो सनी के साथ मिलके थोड़ा मोड़ा घर डेकोर कर दिए थे बेटू के आने के लिए। और मैंने बोला था एंडी को कल के, एंडी आप कैसे कुछ बोला था, तो आज बेटू के लिए केक भी आया है, बेटू केक कट करेगी। और ये देखिए हम लोग अब उसको बैठाएं, पर इतना रो रही है, इतना रो रही है, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे केक कट करें। तो मैं सोच रही हूँ पहले बेटू को फीड करा देती हूँ, फीड कराऊँगी तो थोड़ा सा शांत हो जाएगी, और शांत होती फिर फटाक से उसको और उसके पापा के साथ हम लोग केक को कट कर लेंगे। और इस टाइम मेरे घर को आप लोग अवॉइड ही करिएगा क्योंकि घर थोड़ा सा मैसी हुआ है, एक वाइफ नहीं रहने पे ऐसे ही रहते हैं हस्बैंड लोग, तो घर इस टाइम थोड़ा सा फैला हुआ। पर फिर भी एंडी ने बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया क्योंकि बाबू आ रही थी, तो थोड़ा सा हाइजीनिक होना चाहिए था, तो एंडी ने बेडशीट वगैरह तो चेंज कर दिया है। उनसे जितना हो पाया बेचारे के लिए कितना कर पाए उतना किए हैं। और एंडी पहले मेरे को बोलते कि तुम बेटू को लेके बैठो और केक कट करो, पर फिर मैंने बोला नहीं आप ही बैठ जाओ एंडी, मुझे वैसे भी स्टिचेस लगाए तो फिर ऊपर उतना बैठूंगी, फिर उठूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो एंडी लेके बैठ के बेटू को, फिर बाद में बोले आओ आओ सर तुम भी आओ हाथ पकड़ लो, तो बस मैं भी हाथ पकड़ ली और यहाँ केक कट होने लगा। मैं जानती हूँ मैं इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही हूँ, बट डोंट वरी, थोड़ा सा बॉडी जब आएगा थोड़ा सा फ्री रहूँगी हल्का सा एक दो तीन महीने बाद, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने मना किया एक्सरसाइज वक्सरसाइज के लिए, तो जब हो जाएगा फिर अपनी बॉडी वापस से वैसे मेंटेन कर लूँगी। और यहाँ पे दिया भी है जो सजा था वो भी आप देख लीजिए। और बस फिर केक वेक कट करने के बाद मैंने बाबू को जल्दी फीड किया क्योंकि रो रही थी। और सारे कपड़े वपड़े जितने पड़े थे मम्मी लगी फोल्ड करने के लिए, और बहुत सारे कपड़े हॉस्पिटल से आए भी हुए थे तो वो भी मशीन में लग चुका है, सारे बेडशीट, बाबू के छोटे छोटे कपड़े, वो सारी चीज़ें। बाकी जब तक मम्मी हॉस्पिटल में रहती थी तो इंडिया के कपड़े मशीन में लगा दे के प्रेस करके लेके जाते थे, और बाकी बड़े बड़े कपड़े जितने थे बेडशीट, इंडिया के कपड़े, मेरे कपड़े, वो सब, और आज की भी जितने बाबू के कपड़े थे वो सब मम्मी लगा दिए। और अब आप लोग समझते हैं कल मैं सोची थी कि मैं बच्चे का पाँव आलता से
किसी कपड़े पे छापूंगी, पर एंडी क्ले लेके आए थे, पर उनको शायद से पता नहीं था कि क्ले पे बच्चे का पैर नहीं छपेगा। तो अब छठियार के दिन हम लोग वापस से ये चीज़ करने वाले हैं। तो छठियार के दिन मैं अब बाबू वापस से कपड़े में बाबू का पैर का निशान लूँगी आलते पे। और मिलते हैं आप लोग को कल के ब्लॉग में दोस्तों, यहाँ पे।